नवंबर में आरएसएस के मरहूम नेता जगदीश गगनेजा के परिवार के साथ अफसोस करने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल गगनेजा के घर पहुंचे। बादल ने पीड़ित परिवार के साथ गहरे दुख का प्रगटावा करते हुए कहा कि ये कभी भी ना पूरे होने वाला घाटा है। वहीं दूसरी ओर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि गगनेजा जी एक महान इंसान थे और वो सभी मुद्दों को बड़ी सहनशीलता से लेते थे। इनके दोषियों को जल्द से जल्द पुलिस अपनी गिरफ्त में ले लेगी, ये बादल ने कहा। जब गगनेजा गोलीकांड के बारे में सीबीआई जांच के संबंध बारे में पूछा गया तो पंजाब सरकार पूरा जोर लगा रही है, ऐसे दोषियों को जो पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दिलाई जाएगी। साथ ही दूसरी राजनीतिक पार्टियां खासकर कांग्रेस पर उन्होंने कहा कि ये उल्टे सीधे बयान देकर पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं, जो हम इन्हें होने नहीं देंगे। जलंधर से परमजीत के साथ विक्की कंबोज। बहुत दुखदायी घटना है, सारा पंजाब, सारी पंजाब सरकार सब देश के उन्होंने दिलों दिमाग मैं कल हाजिर इस करके नहीं हो सकिया, मैं पटना साहब से करता तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 350 साल का समागम से उठे पता लग गया, मैं सीधा ही इतना उन्होंने दर्शन किया, गलत किया, बहुत वही शख्सियत असी अगर बहुत बड़े बड़े संजीदा बड़े मतलब खामोशी ने सारी गलत समझने वाले बहुत बहुत ही महान इंसान। इस केस के विच बीजेपी के आरएसएस लीडर का कहना है कि टाइम बाउंड सीबीआई इंक्वायरी की मांग की गई है, तुसी इससे की कहना चाहते हो? देती है जी मुझे ते नहीं, पर उन्होंने मांग है कि टाइम बाउंड से इधर इंक्वायरी होनी चाहिए और विभाग टाइम बाउंड एडी बॉडी ड्यूटी लगी है और आप ही एक जितनी जल्दी से जल्दी हो गए।